हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑक्सीलाइफ नेचुरल रेडियंस 5 क्रीम ब्लीच। ये ब्लीच मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, तो मैं आपको इसके बारे में ही बताना चाहूँगी। ये मुझे मिला है 80 रुपीज़ में। ये आप किसी भी केमिस्ट पे तो नहीं, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस है 80 रुपीज़ और इसमें आपका इसका नेट वेट है 27 ग्राम्स और इसमें आपको ब्लीच मिलेगा 21 ग्राम्स और पाउडर एविएटर है इसमें 3 ग्राम्स। अब आपको मैं ये ओपन करके दिखाती हूँ कि इस पैक में क्या क्या मिलेगा। इस पैक में आपको मिलेगा 3 पाउचेस आपको मिलेंगे पोस्ट ब्लीच सीरम के लिए, पोस्ट ब्लीच सीरम स्किन रेडियंस, और ये 2 ही हैं क्योंकि एक मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसमें आपको मिल जाएगा ऑक्सीलाइफ क्रीम और एविएटर। फ्रेंड्स, इसका आपने यूज़ की हो गई ब्लीच तो आपको पता होगा कि इसका क्या रेशियो है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 7 ग्राम्स आपको क्रीम लेना है और 1 ग्राम्स आपको एविएटर यूज़ करना है। बाकी आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा तो मत करिएगा, एडवाइजेबल नहीं होता, कम ही कर सकते हैं इसे आप। अगर इरिटेशन होती है आपकी स्किन में तो इसको ब्लीच यूज़ करने के बाद, फ्रेंड्स इसका मैं आपको बता देती हूँ कितने टाइम के लिए आपको इसे अप्लाई करना है फेस पे। सबसे पहले आप 7 ग्राम्स क्रीम और 1 ग्राम एविएटर को मिक्स करके 2 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना। उसके बाद इसे आप अपने फेस पे अप्लाई करिएगा। फेस पे अप्लाई करने के बाद अगर आपकी स्किन डार्क है तो आपको 10 मिनट के लिए इसे रखना पड़ेगा, अगर आपका स्किन फेयर है तो आपको इसे 15 मिनट यूज़ करना है। 15 मिनट से ज़्यादा आप इसे यूज़ मत करिएगा। और इसको यूज़ करने के बाद आपको धूप में नहीं जाना और फेस पे कुछ मेकअप या सोप या फेस वॉश यूज़ नहीं करना, और बेटर यही होगा कि आप इसे रात को यूज़ करिए। उसके बाद ब्लीच को अप्लाई करने के बाद फेस पे आप इसको ठंडे पानी से साफ़ कर दीजिए 15 मिनट के बाद। उसके बाद जब आपका फेस ड्राई हो जाए अच्छे से तो आपको ये सीरम यूज़ करना है, ऑक्सीलाइफ नेचुरल रेडियंस पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सीरम। एज ए मॉइस्चराइज़र आप इसे फेस पे अप्लाई करिए और हल्के हाथों से इसे 2 मिनट्स के लिए आपको मसाज देना है। और इसका रिव्यू मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्सीलाइफ नेचुरल रेडियंस 5 इस क्रीम में, ब्लीच में स्मेल नहीं है, जैसे कि आपने मतलब और ब्लीच यूज़ की होंगी तो उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है, इसमें वो नहीं है। ब्लीच ये अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने आज वही यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थैंक यू सो मच, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू।